हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फॉर लूप में, पर आज हम फिर से बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है और उसको डिटेल में देखेंगे क्या है। ओके, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को देखने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे एक लिस्ट तैयार करनी है 1 से लेके 20 तक। ठीक है, मुझे एक लिस्ट तैयार करनी है फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 20। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, फोर लूप लगाऊंगा, फोर आई इन रेंज 1 टू 20 तक लिस्ट बनानी है, तो 1 टू 21 रेंज होगी। उसके बाद मैं नंबर जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें एक नंबर अपेंड कर दूंगा, मतलब एक नंबर ऐड कर दूंगा, और वो नंबर क्या होगा, आई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरी लिस्ट तैयार हो जाएगी 1 से लेके 20 तक। तो मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ अपनी लिस्ट को फिर। ओके, तो ये देखिए लिस्ट तैयार हो चुकी है 1 से लेके 20 तक। तो ये तरीका था बिल्कुल आसान वाला, मतलब कि जो नॉर्मल वे है अपनी लिस्ट को तैयार करने का। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, ये आपको समझ भी आ चुका होगा। ठीक है, पर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसी को हम करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। ठीक है, वो कैसे करेंगे, आज हम वही सीखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में होता क्या है, देखिए मुझे लिस्ट तैयार करनी है नंबर। ठीक है, अब मुझे जो कुछ भी लिखना है वो मुझे इसी लिस्ट के बीच में लिखना है, ताकि मेरी एक ही लाइन को लिखते ही मेरी लिस्ट तैयार हो जाए। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले आप ये लिखिए अपनी लिस्ट में, आपने अपेंड क्या करवाया था, अपेंड करवाया था आई। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना आई। ठीक है, तो आपने लास्ट से स्टार्ट होना आई। ठीक है, उसके बाद आपने ये कंडीशन लिखनी है फोर वाली। ठीक है, फोर आई इन रेंज 1 टू 21, आई फोर आई इन रेंज 1 टू 21। ठीक है, इतना लिखने से मेरी लिस्ट तैयार हो चुकी। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या हुआ। ठीक है, तो मैंने लिस्ट तैयार करी थी पहले ऐसे। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, पहले मैंने लिस्ट तैयार की थी ऐसे। ठीक है, पहले मैंने नंबर नाम की एक लिस्ट ली, वो एम्प्टी लिस्ट थी। ठीक है, फिर मैंने लूप चलाई। ठीक है, पहले आई की वैल्यू 1 हुई तो वो अपेंड होगी इस लिस्ट में, फिर 2 हुई अपेंड होगी, ऐसी आई की वैल्यू 20 तक ये लिस्ट में अपेंड हो जाएंगी वैल्यूज, और मेरी लिस्ट तैयार हो जाएगी 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, अब ये इतना कोड है वो इस एक लाइन के बराबर है। ठीक है, इसी लाइन को बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या है। सबसे पहले आपको वो लिखना है जो आपको अपनी लिस्ट में अपेंड करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपकी लिस्ट में क्या है, आई। ठीक है, आपने आई अपेंड कराया तो आई लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऊपर वाली कंडीशन। ठीक है, बस आपको ऐसे याद रखना है ये इस एग्जाम्पल को, ताकि आप अपनी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ कर सकें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको अपने नंबर को प्रिंट करवा के देखता हूँ कि मेरा नंबर प्रिंट, कि मेरी लिस्ट तैयार भी हुई है या नहीं। ओके, देखते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक मेरी लिस्ट तैयार हो चुकी। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक लिस्ट तैयार करनी है क्यूब्स। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मुझे क्यूब्स की लिस्ट तैयार करनी है तो मुझे यहाँ पे अपेंड क्या करवाना पड़ता, आई का क्यूब। ठीक है, आई का क्यूब अपेंड करवाता मैं, जो भी आई की वैल्यू थी उसका क्यूब। ठीक है, तो मुझे 1 से लेके 20 तक सभी का, 1 से लेके 10 तक मान लो, 1 से लेके 10 तक सभी का क्यूब मुझे स्टोर करवाना है अपनी लिस्ट में। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, क्या अपेंड करवाना पड़ेगा, आई का क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन तो सेम रहेगी। ठीक है, फोर आई इन रेंज 1 टू लेके 11। ठीक है, फोर आई इन रेंज 1 टू 11। अब क्या होगा, 1 से लेके 10 तक जितने भी क्यूब होंगे वो मेरी लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा के देखते हैं। ओके, इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहली लिस्ट तो स्क्वेयर वाली है और दूसरी क्यूब वाली। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे स्क्वेयर के लिए करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वेयर, यहाँ पे, तो
तो इतना आपको समझ आ चुका होगा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम यूज़ कैसे करते हैं। ओके, अब बात आती है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को दो लिस्ट के साथ कैसे यूज़ करें। ठीक है, चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पे जिसमें स्क्वायर है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक नई लिस्ट तैयार करनी है। उस नई लिस्ट में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन स्टोर होगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये मेरे पास स्क्वायर की लिस्ट है, तो मुझे एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है। उसमें क्या होगा, पहला आइटम क्या होगा, 1 टाइम्स 2 2, दूसरा आइटम क्या होगा, 4 टाइम्स 2 8, तीसरा आइटम क्या होगा, 9 टाइम्स 2 18। ठीक है, ये होगा उसमें। ठीक है, तो वैसी लिस्ट तैयार करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो अपना नॉर्मल तरीका, ठीक है, फोर पहले अपनी लिस्ट तैयार कर लो। फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट का नाम रख लेता हूँ टाइम्स 2। ठीक है, लिस्ट का नाम मेरा टाइम्स 2। उसके बाद सबसे पहले अपना नॉर्मल तरीका देखते हैं कैसे यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर आई इन स्क्वेयर, उसके बाद times 2 dot append i times 2। ओके, तो सबसे नॉर्मल तरीका तो ये। ठीक है, अब अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ये देखिए मेरी लिस्ट प्रिंट हो चुकी। तो ये देखिए 1 टाइम्स 2 2, 4 टाइम्स 2 8, 9 टाइम्स 2 18, ठीक है, 16 टाइम्स 2 32, ऐसे मेरी लिस्ट प्रिंट हो चुकी। ठीक है, अब इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होगा, अपनी लिस्ट इसी लिस्ट में चेंज करना है ना, तो इसी लिस्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या अपेंड करवाया आपने, टाइम्स 2 i टाइम्स 2 i टाइम्स 2। ठीक है, उसके बाद क्या, ये अपनी कंडीशन लिखनी है बस आपने। ठीक है, 4 i इन स्क्वेयर। ठीक है, वो कंडीशन लिखते हैं, 4 i इन स्क्वेयर। ठीक है, इतना लिखने से क्या होगा, मेरी लिस्ट बन चुकी। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और प्रिंट करवा के देखता हूँ टाइम्स टू को फिर से कि मेरी लिस्ट वही है या अलग है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल वही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।